Hello friends, I am Kitchen or Educate and you are watching Legal Knowledge KD. Our today's topic I am going to discuss is difference between res judicata and res sub judice. तो ये हमारा आज का टॉपिक है रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस. ये टर्म्स लैटिन लैंग्वेज के हैं तो इनकी हम मीनिंग समझेंगे. और इनकी डेफिनेशन नंबर 3 पे प्रोविजंस नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट नंबर 5 पे एसेंशियल कंडीशंस और नंबर 6 पे एक्सेप्शंस. तो आइए जानते हैं पहले मीनिंग रेस जुडिकेटा. रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर और जुडिकेटा मीन्स एडजस्ट या डिसाइडेड, जो मैटर डिसाइड हो चुका हो. सब जुडिस means pending या under consideration, जो matter under consideration हो. तो अब इसकी जो है res judicata की meaning, matter decided, वो matter जो पहले decide हो चुका हो. res sub judice, matter pending या under consideration, वो matter जो under consideration हो. अब इसकी मीनिंग तो हम समझ गए, आइए इसको डिफाइन करके देखते हैं. तो रेस जुडिकेटा क्या कहता है और रेस सब जुडिस क्या कहता है. रेस जुडिकेटा कहता है कि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड कैनॉट बी हियर्ड अगेन. एक मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका हो, उसकी डिसीजन आ गई हो, और दोबारा उस मैटर को कंसीडर करना या दोबारा ट्रायल उसकी करना या चलाना जो है ये नहीं चाहिए, ये टाइम का वेस्ट है. रेस सब जुडिस ये कहता है कि एक मैटर पहले ही अंडर कंसीडरेशन है या पेंडिंग में है और दोबारा उसी मैटर की सूट आ जाए, दोबारा उसी मैटर को दूसरी जगह उसकी प्रोसीडिंग्स चलाना या उसकी कार्रवाई चलाना नहीं चाहिए, ये भी टाइम का वेस्ट है. तो अब हमें समझ में आ गया कि रेस जुडिकेटा क्या कहता है और रेस सब जुडिस क्या कहता है. आइए आते हैं प्रोविजंस के ऊपर. पहले रेस जुडिकेटा. रेस जुडिकेटा सिविल लॉ में सेक्शन 11 सीपीसी, सेक्शन 11 सीपीसी में ये भी बताता चलूं कि रेस जुडिकेटा सिविल में अप्लाई होता है और क्रिमिनल में भी अप्लाई होता है, दोनों लॉ में. क्रिमिनल में जो है सेक्शन 403 ये पाकिस्तान की सीआरपीसी पाकिस्तान की है और सेक्शन 300
सीआरपीसी इंडिया की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी जो है मना करता है कि एक मैटर जो पहले ख़त्म हो चुका है, या समझो कि एक शख्स को एक जगह पनिशमेंट फिर दोबारा, तो डबल पनिशमेंट को ये मना करता है। आर्टिकल 13 ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसके अलावा सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब ये सेक्शन जो है सेक्शन 11 सीपीसी के अलावा सब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। एक मैक्सम है, लेटिन मैक्सम, कि ए पर्सन शुड नॉट बी ट्वाइस डिस्टर्ब्ड फॉर द सेम काज। इसी की बुनियाद पे ये डॉक्ट्रिन की प्रोविजन जो है डिफरेंस लॉ में दी हुई है। सेक्शन 11 सीपीसी ये कहता है कि एक मैटर पहले डिसाइड हो चुका है तो दोबारा उसको जो है नहीं चलाना चाहिए, उसकी सूट को बार करता है। सेक्शन 403 सीआरपीसी पाकिस्तान और सेक्शन 300 सीआरपीसी इंडिया, दोनों की प्रोविजन एक ही है, दोनों की लैंग्वेज एक है। ये कहते हैं कि ए पर्सन वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। एक मर्तबा किसी पर्सन को एक्विट किया जाए, छोड़ दिया जाए या कन्विक्ट हो गया, तो उसकी दोबारा ट्रायल जो है नहीं करना चाहिए। ये सेकंड ट्रायल को मना करता है ये प्रोविजन जो है सीआरपीसी का। इसके बाद आर्टिकल 13 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। ये मना करते हैं सेकंड एक ही ऑफेंस में, एक ही मैटर में सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, सेकंड पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, डबल पनिशमेंट को मना करते हैं दोनों आर्टिकल्स। सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये सेक्शन कहता है कि एक पर्सन ने ऑफेंस किया, जुर्म किया, तो उसकी पनिशमेंट दो इनेक्टमेंट में प्रेस्क्राइब की हुई है, यानी दो लाज में एक ही कंट्री में, तो उसको दोनों लाज में ट्राई करके और दोनों जगह पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। एक ला में उसकी ट्रायल होना चाहिए और एक ही जगह उसकी पनिशमेंट होना चाहिए। क्यों? मैटर तो एक ही है, ऑफेंस तो एक ही है, तो ये भी डबल पनिशमेंट की बात करता है और उसको मना करता है। तो ये प्रोविजंस आ गई रेस जुडिकेटा की। अब रेस सब जुडिस, सेक्शन 10 सीपीसी, ये सेक्शन पाकिस्तान की सीपीसी या इंडिया की सीपीसी 1973 दोनों के एक ही सेक्शन है, सीपीसी के दोनों के एक हैं। तो सेक्शन 10 ये सेक्शन
एक मीटर पहले अंडर कंसिडरेशन है या पेंडिंग में चल रहा है, तो उस मैटर में दोबारा उसकी प्रोसीडिंग्स को या दोबारा उसकी ट्रायल को मना करता है। तो इसमें कोर्ट एक ही मैटर में सेकंड ट्रायल को स्टे कर दिए। अब आइए जानते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकेटा इज टू एंड ए मैटर, मैटर को खत्म करना। ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिस इज टू प्रिवेंट द मल्टीपलिटी ऑफ लिटिगेशन, के एक मैटर पहले चल रहा उसको दोबारा जो है चलाना, उसको मना करना, इसका ऑब्जेक्ट है। आइए जानते हैं डिफरेंट एसेंशियल कंडीशंस। रेस जुडिकेटा एक कंडीशन जो मेन है, मैटर मस्ट बी डिसाइडेड, मैटर पहले डिसाइड हो चुका हो, अगर डिसाइड नहीं है, अंडर कंसिडरेशन है, तो फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। सिविल लॉ में वो होगा रेस सब जुडिस, एक इसकी ये कंडीशन है। इसके बाद मैटर सेम होना चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए, पार्टीज सेम होना चाहिए, काज ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। इसकी कंडीशन एक जो डिफर करती है वो है मैटर मस्ट बी अंडर कंसिडरेशन, इसमें मैटर डिसाइड होना चाहिए, इसमें अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए, दो सूट होना चाहिए, बाकी वो सेम ही है जो मैंने उसमें आपको बता दिए हैं। आइए एक्सेप्शन देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है। रेस जुडिकेटा अगर ऑर्डर या डिक्री फ्रॉड के जरिए ओपन की भी हो, प्लेंटफ ने फ्रॉड कमेंट किया हो, तो रेस जुडिकेटा का रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर डिफेंडेंट को और भी रिमेडीज हैं, सेक्शन 151 जो इनहेरेंट पावर्स देता है हाई कोर्ट को, सेक्शन 151 और सेक्शन 12 2 CPC ये भी मौजूद है, सेक्शन 12 2 CPC दोनों CPC के हैं। तो बाकी जो बातें हैं वो पहले हम कंडीशन में बता चुके हैं, बार बार उसको रिपीट करना टाइम का ज़ाया। इसका एक्सेप्शन अगर सूट उस कोर्ट में है जो कंट्री में नहीं है, बाहर है, कंट्री से बाहर है या फॉरेन कोर्ट में, तो उस पे ये सेक्शंस रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। जिस तरह कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुडिशन हो, कंट्री के अंदर है तो भी कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुडिशन हो, ये नहीं, ऐसा नहीं हो कि फार्मर सूट चल रहा है लोअर कोर्ट में और लेटर सूट हाई कोर्ट में गया, तो इस केस में भी ये रेस सब जुडिस का रूल अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।